हेलो डियर, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? कैसे आप? ठीक ठाक? आई होपफुली उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे, फिट फाइन होंगे। सो लेक्चर नंबर 4 में आपके पास लेकर आया हूँ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली के साथ जो सिमिलर प्रॉपर्टीज है वो कौन सी है, हम जिक्र कर रहे हैं। यहाँ देखिए, नेचर ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल की नेचर वैसे क्या है, सिमिलर प्रॉपर्टीज में नेचर ऑफ ऑर्बिटल कैसे। हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में, इट मींस हाफ फिल्ड। और जो कार्बन फैमिली है उसके साथ भी चार इलेक्ट्रॉन, इट मींस हाफ फिल्ड। उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने में चार इलेक्ट्रॉन चाहिए, और हाइड्रोजन को क्या, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए डुप्लेट कंप्लीट करने में। सो जरा यहां देखें, लाइक इसके वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके चार इलेक्ट्रॉन, इट मींस ये दोनों क्या है, हाफ फिल्ड है, दोनों अधूरे हैं। उसके बाद हम जिक्र करेंगे कॉम्बिनेशन विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ कॉम्बिनेशन होगा, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन हो रहा है और हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ हो रहा है। इट मीन्स हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो वो कोवलेंट बॉन्ड शो करती है, और कार्बन ऑक्सीजन के साथ जब मिलता है तो वो कोवलेंट बॉन्डिंग नेचर में शो करते हैं। जरा याद है प्यारे बच्चों, बोथ एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड एलिमेंट्स ऑफ फोर्थ ग्रुप कंबाइंड टू अदर एलिमेंट्स थ्रू कोवलेंट बॉन्डिंग। कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बना, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ तो क्या बना, वाटर। उसके बाद हम जिक्र कर रहे हैं रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट आर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज है। जरा यहां देखिए, कॉपर ऑक्साइड टू रिएक्ट हाइड्रोजन टू फॉर्म द कॉपर, ये सेपरेट हो गया, अलग हो गया और वाटर बना। यहां देखिए जरा, यह कॉपर की वजह से +2 से जाकर कहां गई, जीरो पे, इट मींस न्यूट्रल हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया। ऑक्सीडेशन, यहां देखिए जरा, ऑक्सीडेशन इट मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां जीरो से क्या +1 तक आ गई वैलेंसी। तो ये हाइड्रोजन और कार्बन भी क्या है, दोनों रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, रिड्यूसिंग एजेंट प्रॉपर्टीज क्या करते हैं, शो करते हैं प्यारे बच्चों। और इसके बाद हम जिक्र करने जा रहे हैं पॉइंट नंबर 4, जो सिमिलर प्रॉपर्टीज है क्या, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन इनफिनिटी। आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन इनफिनिटी ऑफ हाइड्रोजन कार्बन आर कंपेरेबल। कंपेरेबल इट मींस वो आपस में उनकी बनती है, इट मींस वो मिलते जुलते हैं। आई पास समझ में, ये तो अच्छी बात है ना। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जिक्र करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन फैमिली आर ऑलमोस्ट सिमिलर। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, कार्बन की क्या है 2.5.4 का सिर्फ जस्ट ओनली फर्क है। उसके बाद सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है 1.8, अलग 1.8 और 0.3 या 0.2 का जस्ट ओनली फर्क है हाइड्रोजन और सिलिकॉन के बीच, इतना डिफरेंस ज्यादा नहीं है। उसके बाद मैंने सोचा इसका भी जिक्र करता चलूं, इतना टाइम नहीं है। डिसिमिलरिटीज ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन फैमिली, कुछ बातें ऐसी हैं जो इन दोनों की आपस में नहीं बनती, क्या करें, नहीं बनती तो हम मजबूरी है, नहीं बन रहे अगर। चलो यहाँ देखिए जरा, इट डज नॉट फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ कंपाउंड। हाइड्रोजन जो क्या होता है, लॉन्ग चेन कंपाउंड नहीं बनाता, लेकिन जो कार्बन फैमिली है, कार्बन फैमिली में कार्बन एंड सिलिकॉन फॉर्म लॉन्ग चेन कंपाउंड, इट मींस कैटेनेशन प्रॉपर्टीज शो करता है। कैटेनेशन इट मींस सेल्फ लिंकेज। सिलिकॉन भी जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, मैंने किसी हद तक पढ़ा है, 8 सिलिकॉन तक वो मतलब बॉन्ड कर सकता है, स्टेबल हो सकता है, आगे ज्यादा स्टेबल नहीं हो सकता। ये आपको बात जहन में होनी चाहिए। आई बात समझ में, कार्बन तो वो लॉन्ग चेन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ा होगा लॉन्ग चेन वो बनाता है, जैसे ट्रेन बनती है ना, कार्बन गणु 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 कार्बन के साथ हाइड्रोजन 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 बनते जाएंगे। उसके बाद जिक्र करेंगे कैन कंबाइन विथ ओनली वन एलिमेंट एट द सेम टाइम। हाइड्रोजन बेचारा क्या करेगा, एक वक्त पर एक एलिमेंट के साथ कंबाइन होगा
वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन नहीं होगा। जरा याद रखें, कैन साइमल्टेनियसली फॉर्म बॉन्ड्स विद मोर देन वन एलिमेंट। साइमल्टेनियसली का मतलब ये कि एक ही वक्त पे डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बना सकता है। याद देखें जरा, फॉर एग्जाम्पल सी एच फोर कार्बन, हाइड्रोजन यहां भी, हाइड्रोजन यहां भी, हाइड्रोजन यहां भी, हाइड्रोजन। इट मीन्स एक ही वक्त में ये बॉन्ड बना सकता है दूसरे एलिमेंट से मिलकर, बेचारी हाइड्रोजन नहीं बना सकती। उसके बाद हाइड्रोजन फॉर्म ओनली डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, वो बेचारी क्या है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। और जो कार्बन है, कार्बन कैन फॉर्म अप टू पेंटा, पेंटा मींस पांच, पेंटा मींस पांच, ये आपको पांच बता रहा हूं, पूछे नहीं दे रहा हूं, मेरी बात समझ में। कार्बन कैन फॉर्म ओनली पेंटा, पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल, पेंटा मींस पांच, पांच एटॉमिक मॉलिक्यूल कार्बन बना सकता है। उसके बाद हम जिक्र करेंगे पॉइंट नंबर फोर, इट इज ए गैस एट रूम टेम्परेचर। वो रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे क्या होती है, गैस होती है। और जो कार्बन फैमिली होती है वो सॉलिड स्टेट में होते हैं रूम टेम्परेचर पे। आई बात समझ में। उसके बाद पॉइंट नंबर फाइव का जिक्र करेंगे, इट बिलोंग टू एस ब्लॉक एलिमेंट्स। में मैंने पहले भी बताया था कि हाइड्रोजन का ब्लॉक जो ताल्लुक है वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ है। ब्लॉक टू पी ब्लॉक एलिमेंट्स से, जो कार्बन फैमिली है वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ क्या करता है, बिलोंग करता है। उसके बाद हम जिक्र करेंगे, इट नीड टू वन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ए फेजन शेल। जाहिर सी बात है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। सो गाइस, कार्बन को तो चार इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। सो ये था डिसिमिलरिटीज प्रॉपर्टीज। इट मींस कुछ पॉइंट ऐसी हैं जिसमें ये हाइड्रोजन और कार्बन फैमिली की आपस में कभी भी नहीं बनती और ना ही बनेगी। ये जो पॉइंट मैंने आपको बताई थी ना, ये कभी नहीं बनती इनके साथ। सो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको आज की टॉपिक समझ में आ गई होगी। अगर कोई डिफिकल्टी हो, अगर कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन करने से 40% स्टडी क्या होती है, कंप्लीट होती है प्यारे बच्चों। सो वीडियो मेरी को लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, अपने दोस्तों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाइएगा। सो तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के पास।